कहा गया ला कि जिंदगी अनुभव आ रहा है, अनुभव आ रहा है, लाइफ इज स्प्रिंग ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे एक नदी में पानी बहता है तो पानी जो होता है रुकता नहीं है, पानी लगातार नदी में बह रहा है, लेकिन हर क्षण एक ड्रॉप जो आज यहाँ पे थी वो ड्रॉप यहाँ पहुंच गई, कभी अंदर चली गई कभी बाहर चली गई। एवरी मोमेंट इट इज एक्सपीरियंसिंग अ न्यू वर्ल्ड। इन द सेम वे वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ न्यू वर्ल्ड एवरी मोमेंट, और वेन दैट एक्सपीरियंस इज गुड विच वी लाइक देन वी आर हैप्पी, when that experience is bad which we dislike we are unhappy. So it is the experience which matters, or experience is something which is objective as well as subjective. There is a woman, let us say uske husband jo hai wo they are not able to work, live together. So husband is, you know, desperate to get divorce from the woman because he feels that she is the worst woman in this world, and there is another man who is waiting to marry that woman. And he is also eagerly waiting for the divorce because he feels that she is the best woman in the world. So the person is same, but the experience is different. One person sees that as a bad person or incompatible person, other person sees as a good person. So depending on आप देखिए, जैसे जो आदमी नॉन वेज खाते हैं, मान लिया मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लिया नॉन वेज मीट खाते हैं, और हम लोग जैसे हांगकॉन्ग में गए काफी साल पहले, तो हांगकॉन्ग में मैम जो है वहाँ पे जितने भी वो मीट के होते हैं ना, अपने हाथों हम लोग मीट को अगर काटता भी है तो उसको समंदर रखते हैं, वहां तो एकदम सड़क पे पूरा डिस्प्ले करके मसाला वसाला लगा करके सब वो करते हैं। नाउ आई एम वेरी श्योर दैट पीपल हु आर एक्चुअली लव दोस फूड्स, उनके मुंह में तो वो पानी आ जाता होगा उसको देख करके, और वो मेरे ख्याल से लगाते भी इसीलिए है कि वो उसको देख करके लोग अट्रैक्ट हो जाए और अपने को रोक नहीं पाए। बट समबडी हु डजंट ईट नॉन वेज, you cannot imagine how repulsive it looks. उसके लिए तो उसका sight देखना जो है, and the same smell which actually you know give rise to hunger and you know desire in one person actually is very repulsive to the other person. Another thing is just a small intervention. Same thing in a restricted quantity or a reasonable quantity. इसका भी सर कहते हैं, कहीं मैं उसको ये भी बड़ा कोट करता हूँ, इसको कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो उसमें एग्जांपल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जैसे अगर सपोज करिए कि आप कहीं पे किसी रेगिस्तान में फंस गए और बस इतनी प्यास लगी हुई कि आप मरने वाले हैं, और एक बंदा आता है कहता है यार मेरे पास एक मिनरल वाटर है, एक हाफ लीटर बॉटल है, $100 चाहिए। अब आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, एक डॉलर का भी नहीं है, लेकिन कहेगा नहीं तुम्हारी चॉइस है, लेना हो तो ले जाओ, तो बंदा मरने वाले परचेज कर लेगा उसको, लेकिन नेक्स्ट बॉटल के लिए वो सौ नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी मान लो उसकी प्यास नहीं, मुझे कहता है $10 वो ले लेगा, उसके बाद में वो नहीं लेगा, और उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा जबकि उसको आप $100 दोगे फिर भी वो एक ग्लास एक पानी नहीं लेगा। भाई पांच छह अगर बॉटल्स आपने पी लिए तो उसके बाद में अगर वो सॉफ्ट है भाई $100 ले और एक और पी ले ग्लास, कहेगा भैया मेरे को नहीं पीना। सो दैट इज दी दैट इज ऑल्सो जो सर आप बता रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, शुरू में जो चीज अच्छी लगती है वही चीज धीरे धीरे करके एक्सेस हो जाती, तो इट इज एन एक्सपीरियंस क्योंकि इसने मुझे पहली बार जो है ये कनेक्ट किया कि हम जो बहुत शास्त्रों में लोग बहुत पढ़ते रहते हैं लोग कि साहब कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज हियर एंड नाउ, आप तुरंत का तुरंत जब चाहो खुश हो जाओ। मैंने देखा कि अनुभव धारा में से मैंने देखा वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है बाहर के लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर गर्मी को ले लें, अब बाजार में अगर मान लिया कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 50 डिग्री चल रहा है तो आप खुश नहीं रह सकते, आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, रात में सोने में दिक्कत होगी। वहीं पर अगर आपने एक अच्छा प्रॉपर हो 22 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री हो तो आप चैन से सो सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप जिस फैमिली में रहते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं,
वहां पे सुकून का वातावरण नहीं रहेगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहेगा। आप ऑफिस जाते हैं, आपकी बॉस से पटती नहीं है, बॉस आपको देख करके जो है वो चढ़ जाता है आपके ऊपर, तो आप कैसे वहां पे रहकर खुश होंगे? उसको भी मैनेज करना जरूरी है, तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और इसीलिए हैप्पीनेस एक ऐसी चीज नहीं जिसको आप कह दें कि भाई ये आदमी हैप्पी है, जैसे कि आदमी बीमार होता है वैसे ही आदमी कभी खुश भी रहता है कभी फिर वो देखिए कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस भी लाइफ में आते रहते हैं। बट द पीपल हु हैविंग मोर गुड एक्सपीरियंसेस इज समबडी हु इज मोर हैप्पी इन हिज लाइफ।